हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपना यूट्यूब लोको चैनल परिवार पे फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत बड़ी खुशखबरी। आरआरसी जीडीसी वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ग्रुप डी की एग्ज़ाम कब होगी दोस्तों, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, वैसे आरआरसी जीडीसी जो सिकंदराबाद से है, एससीआर से, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस वीडियो में अपडेट दिया गया है और उनकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, आरआरसी सिकंदराबाद और ग्रुप डी परीक्षा डेट के बारे में हम आप इसको जानकारी बताएंगे। ग्रुप डी की एग्ज़ाम आखिर में क्यों नहीं हो रही है? इस कारण बहुत लंबे समय से सबको इंतज़ार है कि ग्रुप डी की एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रही है। अगर दोस्तों ऐसा आपको लग रहा है कि ग्रुप डी की एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रही है, तो कमेंट करके बताएं कि हमें क्यों नहीं हो रही है। वैसे हम भी आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ग्रुप डी की एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रही है। आखिरकार एग्ज़ाम सेंटर आउट हुए आरआरसी सिकंदराबाद के, ये आपको ऑफिशियल लेटर देख रहा है, रेलवे भर्ती रिक्वायरमेंट बोर्ड, रेलवे भर्ती सेल सिकंदराबाद का, आरआरबी का, आरआरसी का ऑफिशियल लेटर है ये, जिसमें आपको जानकारी दी जाएगी। दोस्तों तो दोस्तों हर किसी बंदे के दिमाग में है कि आखिरकार ग्रुप डी की एग्ज़ाम कब होगी और क्यों नहीं हो रही है। तो इसका बहुत बड़ा एक रीज़न है जिसमें आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए वीडियो को अंत तक, बने रहिए हमारे साथ चैनल पे। पहले बात कर लेते हैं कि आरआरसी सिकंदराबाद की एग्ज़ाम डेट, जो कि आरआरसी जीडीसी से एग्ज़ाम डेट निकल के आई है, वो कौन सी डेट को एग्ज़ाम होने वाली है और सेंटर कहाँ कहाँ आने वाले हैं। दोस्तों तो पहले बात कर लेते हैं वीडियो में आरआरसी सिकंदराबाद की। हाँ तो दोस्तों सीधे आरआरसी सिकंदराबाद पर आ जाते हैं। आरआरसी सिकंदराबाद आप लिखोगे तो आपको ये इंपॉर्टेंट नोटिस उसकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। दोस्तों वैसे हम आपको सीधे आरआरसी सिकंदराबाद की ये नोटिस पर लेके आते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड, दक्षिण मध्य रेलवे भर्ती बोर्ड है जो कि सिकंदराबाद में है, रेलवे भर्ती सेल है सिकंदराबाद है ये। इसका लेटर नंबर है 2/2021, जो इसका लेटर आया था 11/10/2021 को, काफ़ी पहले आया था। दोस्तों अभी हम आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं। 4 कैंडिडेट अप्लाइड फॉर जीडीसी नोटिफिकेशन नंबर CN नंबर 1/2021 एंड 2/2021 इश्यूड बाई आरआरसी एससी। एससी का मतलब होता है सिकंदराबाद, यानी सिकंदराबाद ने जीडीसी की एग्ज़ाम डेट फिक्स कर दी है। दोस्तों ऑफिशियल जिसका नोटिफिकेशन आया था, जिसका सीएन नंबर ये रहा था, जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, स्टोनोग्राफर इंग्लिश, नर्सिंग टेक्नीशियन थर्ड ट्रैक मशीन, कंप्यूटर बेस्ड CBT 1 की एग्ज़ाम डेट 31/10, यानी आपकी 31/10 को, 31 अक्टूबर को एग्ज़ाम लगेगी, संडे के दिन लगेगी। और कौन कौन सी सिटी में लगेगी, यानी एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ आएंगे, सिकंदराबाद में आएगा, विजयवाड़ा आएगा और अनंतपुरा आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इनकी एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं, आपको हम इस वीडियो में बताने वाले थे एग्ज़ाम सेंटर के बारे में। तो ये सिकंदराबाद, विजयवाड़ा और अनंतपुर में दिया गया है। दोस्तों अगली बात देख लेते हैं। CBT 1 कैंडिडेट वर्किंग विजयवाड़ा एंड गुंटूर डिवीज़न आता है जो सिकंदराबाद रेलवे भर्ती बोर्ड है उसमें सिकंदराबाद है, विजयवाड़ा है, गुंटूर है, आदि डिवीज़न आते हैं। अनंतपुर गुंटकल डिवीज़न, CRS वर्कशॉप, CBT 1 के लिए टेस्ट के लिए CVT का टेस्ट होने वाला है और CVT एट सिकंदराबाद। अनंतपुर में मतलब वर्कशॉप में, वो CRS वर्कशॉप में होगा जो कि अनंतपुर में है, गुंतकल डिवीज़न वालों का, और सिकंदराबाद डिवीज़न वालों का सिकंदराबाद में होगा। तो दोस्तों रिपोर्टिंग टाइम इसमें अलाउड CVT 1 इंफॉर्मेशन एडमिट कार्ड, यानी आपको जो रिपोर्टिंग टाइम होगा वो एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। दोस्तों आधे घंटे पहले जाना है, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आई है जो कि आरआरसी सिकंदराबाद से है, जिसमें आपको CBT 1 के लिए ऑनलाइन पेपर होगा। CBT 1 GDC एग्ज़ाम्स की डेट आउट हो चुकी है, आप इसकी डेट देख ही चुके हो। इसकी डेट आपके सामने 31 अक्टूबर को दिया गया है, 31/2021 अक्टूबर को दिया गया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कारण चल रहे हैं। तो दोस्तों इसी बात अब आरआरसी
आरआरसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के बारे में भी बात कर लेते हैं। आखिरकार ग्रुप डी की एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रही है, किस कारण से नहीं हो रही है, कब तक होने वाली है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक, देखते रहिए हमारी वीडियो और वीडियो को स्किप ना करें, कंटिन्यूस देखें। और अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, देखते हैं आगे के वीडियो में। तो दोस्तों आरआरबी एग्ज़ाम 2021 रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ने जारी किया कि अहम जानकारी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि दोस्तों आखिरकार ग्रुप डी की एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रही, आखिरकार ग्रुप डी की एग्ज़ाम कब होगी। तो दोस्तों आपको पता है जैसा कि ग्रुप डी की एग्ज़ाम्स अभी नहीं हो सकती है, क्योंकि अभी बहुत सारी रेलवे की वैकेंसी जो बैकडेट की पड़ी हुई है, पेंडिंग वैकेंसी, यानी कहीं वेटिंग लिस्ट क्लियर हो रही है, कहीं रिप्लेसमेंट पैनल आ रहे हैं, कहीं उनका अभी ज्वाइनिंग देना बाकी है, किसी इस तरीके से किसी का मेडिकल हो रहा है। तो इस कारण से रेलवे का जो भर्ती बोर्ड है आरआरबी रिक्वायरमेंट बोर्ड, वो अभी बहुत सारे पिछली भर्ती पेंडिंग भर्तियों को क्लियर कर रहा है, इसी कारण से आपकी आरआरसी ग्रुप डी की एग्ज़ाम्स नहीं ले पा रहा है। इसके लिए आपको जब भी आरआरसी ग्रुप डी की एग्ज़ाम होगी उससे 4 दिन पहले एडमिट कार्ड डल जाएंगे आपके दोस्तों, अपलोड हो जाएंगे वेबसाइट पर। जैसा कि आपको पता है दोस्तों ये एक रिप्लेसमेंट पैनल है इलाहाबाद का, जो उसकी हम वीडियो आपको बना सके हैं पूरा। तो जैसे कि अभी इतने सारे रिप्लेसमेंट पैनल निकल रहे हैं कि रेलवे भर्ती बोर्ड इतना बिजी है कि आपके रिप्लेसमेंट पैनल कराने में बिजी है। तो आपको आशा की जाती है कि दोस्तों इसी कारण से अगर रेलवे जो एग्ज़ाम्स नहीं ले पा रहा है ग्रुप डी की, वो यही कारण है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत बड़े पैमाने पर होगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं। तो उसमें आपको पता है कि दोस्तों सेंटर भी स्थापित किया जाएगा कि भाई यहाँ पे इस डेट में इस एग्ज़ाम को लेने के लिए सेंटर को भी खाली होना ज़रूरी है। तो बहुत सारा एक बड़े पैमाने पे होता है ये सब कुछ। और ये दोस्तों सेंटर कैसे होगा, सेंटर निर्धारित किए जाएंगे, उसके आधार पर दोस्तों ये भी एग्ज़ाम होगी। तो दोस्तों अगर आप मानो तो ये एग्ज़ाम आपके दिसंबर के लास्ट तक होने की पूरी पूरी संभावना है, और दिसंबर के लास्ट तक ये एग्ज़ाम हो जाएगी आरआरसी ग्रुप डी की। और उसी के साथ एनटीपीसी का रिज़ल्ट के भी बारे में अपडेट, नई नई अपडेट आ रही हैं कि एनटीपीसी का रिज़ल्ट बहुत जल्द आपको मिलने वाला है दोस्तों। उसमें CBT 1 की क्या कट ऑफ्स रहेगी ये भी आपको मिल जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी का जो रिज़ल्ट है उसमें CBT की कट ऑफ्स क्या रहेगी ये भी बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि आंसर की तो डली चुकी है आरआरबी एनटीपीसी की, तो अब रिज़ल्ट आना बाकी है फिर सेकेंड पेपर के लिए। लेकिन रिजल्ट आएगा उसके बाद सेकंड पेपर होगा, लेकिन ग्रुप डी का एग्ज़ाम्स के बारे में हम बता रहे हैं आपको कि पहले ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स होगी, उसके बाद ही एनटीपीसी का रिजल्ट आने की संभावना है दोस्तों। तो दोस्तों आपको जैसा कि पता है कि अभी रेलवे भर्ती बोर्ड का हमने आपको बता ही दिया है, इसी कारण से आपकी एग्ज़ाम्स डिले हो रही है। और हमने RTI के तहत भी पूछा था RRB इलाहाबाद से, तो उन्होंने भी यही जवाब दिया है कि अभी वैकेंसी जो पेंडिंग वैकेंसी है उनको क्लियर होने के बाद आपकी रेलवे भर्ती वो चलेंगी आरआरसी की, वो होंगी क्लियर। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आपको पता है जो भर्ती पेंडिंग रह जाएंगी उनको आरआरसी ग्रुप डी में ऐड करके बंदों को वैकेंसी भर सकती हैं, यानी आरआरसी ग्रुप डी की वैकेंसी भरने की संभावना है, इसीलिए ये पेंडिंग हो रही है। जितना लेट होगी उतना अच्छा है, जितना लेट होगी उतना कट ऑफ जाएगा, कट ऑफ कम जाएगा आरआरसी ग्रुप डी का, रेलवे ग्रुप डी का कट ऑफ्स कम होने वाला है दोस्तों। जितनी एग्ज़ाम्स लेट होगी उतना कट ऑफ्स कम होने वाला है। तो क्योंकि दोस्तों जैसा कि किसी का आरआर कहीं दूसरी जगह सिलेक्शन हो जाएगा तो वो तो एग्ज़ाम में बैठेगा नहीं, जैसे किसी का SSC में हो गया, राजस्थान पुलिस में हो गया, पटवारी में हो गया, आदि वैकेंसी जैसे कि FCI है, कहीं भी हो जाए तो वो तो ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बैठेगा नहीं। तो जितनी भी लेट होगी ग्रुप डी के एग्ज़ाम उतना आपको फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। वैसे आप तैयारी बना के रखें, एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी दिसंबर तक आएगी, लेकिन पहले भी आ सकती है। अभी दिसंबर बहुत दूर है, पहले नवंबर आएगा फिर दिसंबर आएगा, दीपावली के आसपास हो सकता है इसकी, दीपावली के बाद इसकी डेट निकल जाए। तो दोस्तों तैयारी मजबूत रखें, बना के रखें, अच्छे से तैयारी करते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, जय जवान जय भारत जय इंडिया जय रेलवे, नमस्कार।